हाय दोस्तों, मैं मनीषा शाह स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल KDMMSS All Solution चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा घरेलू नुस्खे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पांच नुस्खे जो आपको बालों को झड़ने से रोकने की मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ठंड का मौसम बढ़ गया है, यही वो समय है जिसमें हर किसी को अपने बालों का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर समय रहते ही बालों के झड़ने की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये समस्या दिन पर दिन और बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि कई लोग गंजेपन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं और आप किसी घरेलू नुस्खे की तलाश कर रहे हैं तो ये नुस्खे आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बालों के झड़ने की समस्या में भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि घरेलू उपाय क्या हैं और किस तरह से इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला उपाय ये है कि बालों को अच्छे से तेल से मसाज करना चाहिए। बालों की तेल से मसाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बालों और सिर की ठीक तरह से तेल से मालिश करने से बालों के रोम रोम में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जिससे बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा है दोस्तों, आंवला। आंवला सेहत के लिए ही नहीं, बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए भी आंवला काफी असरदार है। ये न केवल बालों की ग्रोथ करता है बल्कि बालों को मजबूती भी देता है। इसके लिए बस आप आंवले का पाउडर में सिक्का काई और रीठा डालकर उसका पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को बालों पर लगाए और सूखने तक रहने दे। इसके बाद बालों को पानी से धो ले। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। तीसरा उपाय ये है कि मेथी भी हेयर फॉल का कंट्रोल करने में बहुत ही असरदार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बालों के विकासों को बढ़ाने में मददगार है। इसके लिए बस आप मेथी के दानों को पानी में रात में भिगो दे। अगले दिन मेथी के दानों को ग्राइंड कर ले। इसमें एक चम्मच नींबू का रस और नारियल का तेल मिलाए। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर लगाए। इसे सूखने तक बालों पर लगाए रहे। इसके बाद पानी से धो ले। आपको चंद दिनों में असर दिखने लगेगा। चौथा है दोस्तों, एलोवेरा। एलोवेरा सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी लाभकारी है। इसके लिए बस एलोवेरा की पत्तियों के बीच से काटकर उसके गुदे को निकाले और उसे बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करे। करीब आधे घंटे बाद पानी से धो ले। हेयर फॉल में कुछ ही दिनों में राहत मिलेगी। पांचवा है दोस्तों, प्याज का रस। प्याज का रस भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में कारगर है। इसके लिए बस प्याज को पीस कर उसका रस निकाल ले। इसे बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करे। करीब आधे घंटे बाद पानी से धो ले। ऐसा करने से आपको आराम बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का घरेलू नुस्खे बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो मेरा अंत तक देखा है इसके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ।